और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है, विभागों के बंटवारा हुआ है, उस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया है। तो बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है, वहीं ललन सिंह को, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पंचायती राज विभाग दिया गया है। इसके अलावा डेयरी और पशुपालन विभाग है। इसके अलावा गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल विभाग दिया गया है। तो तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर, पीएम मोदी पर। उन्होंने कहा कि बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार मोदी जी उस तरीके से मजबूत नहीं हैं, कमज़ोर हैं इस बार। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने आज पटना में एयरपोर्ट पर पहुंचकर, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया है। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। अब अगर नीतीश जी, सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में। आप लोग, सब लोग जान रहे हैं, आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है, और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमज़ोर देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि तो प्रधानमंत्री का है, देखिए किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए। लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। तीन वर्ग कौन से वाले केस में, लैंड कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो दो बार तीन बार डाल दिया गया। तो मतलब है, मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे, क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए, इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में एक सीट बची। सरकार 5 साल तक चल पाएगी तेजस्वी जी? तेजस्वी साल चल पाएगी? 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार बिहार। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को,
कह रहे हैं 2019 में एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा में, तो हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे विधानसभा चुनाव में। इस बार तो चार हमारे चुने गए हैं सांसद, तो चार गुना सीटें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगी। तेजस्वी यादव ये कुछ कह रहे थे, और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और पीएम के शपथ पर, तीसरी बार पीएम मोदी के शपथ पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।